गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास सेवेंथ के लिए है और हम पढ़ रहे हैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? डेमोक्रेसी, ठीक है। तो हम अब अच्छे से जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, हमने इसकी डेफिनेशन हमने जानी है, ठीक है। अब हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, जो निर्णय लेने के जो मेकिंग मैकेनिज्म जो है वो क्या है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इन इंडिया वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हेल्प इन रनिंग द गवर्नमेंट मशीनरी। भारत के अंदर जो है सरकार के विभिन्न अंग जो है वो सरकार की मशीनरी को चलाने के लिए हेल्प करते हैं, है ना। कोई भी मशीन जो होती है ना उसके भी अंग होते हैं। जैसे कि हम एक ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी चीज को चलाने के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसी तरीके से हमारे गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी, हमारे गवर्नमेंट के कार्य करने के लिए भी बहुत सारे जो पार्ट्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमारे अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो हमारी हेल्प करती है। तो उसी तरह से जो गवर्नमेंट जो है उसके भी ऑर्गन्स है और वो जो गवर्नमेंट की जो मशीनरीज जो है काम करने का जो तरीका जो है उसे चलाने में उसकी हेल्प करती है। जैसे कि क्या क्या मशीनरी है, तो देखिएगा, जैसे कि टेकिंग डिसीजन निर्णय लेने में एंड इम्प्लांटिंग और उसको लागू करने में, है ना, जो है ये ऑर्गन्स जो होते हैं वो हेल्प करेंगे। दीज ऑर्गन्स कीप इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। और ये जो ऑर्गन्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो क्या करते हैं, लोगों के भलाई के उद्देश्य से, है ना, और राष्ट्र की भलाई के लिए ये कुछ व्यूज अपने विचार जो रखते हैं। तो ये थ्री ऑर्गन्स होते हैं, द थ्री ऑर्गन्स आर, और ये थ्री ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है ये। तो थ्री ऑर्गन्स होते हैं, फर्स्ट है लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या होती है, लेजिस्लेचर को हिंदी में बोलते हैं व्यवस्थापिका। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। द लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया हैज टू हाउस। भारत के अंदर जो लॉ मेकिंग जो बॉडी जो है वो क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। द लोकसभा रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मेक्स लॉज। आपको पता, जो लोकसभा में जो सदस्य जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो हमारे जनता के द्वारा चुने गए हमारे प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए, जनता के लिए क्या करते हैं, कानून निर्माण करते हैं जनता की भलाई के लिए। द राज्यसभा शेयर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स विद द लोकसभा। और राज्यसभा जो है अपनी व्यवस्थापिका की जो पावर जो है, शक्ति जो है, वो क्या करती है, लोकसभा के साथ शेयर करती है। फिर है, ये तो हो गया लेजिस्लेचर। अब हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट अंग हमने पढ़ लिया, ऑर्गन हमने पढ़ लिया, अब मैं पढ़ रही हूँ एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव क्या होता है, कार्यपालिका, है ना। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स लॉज एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। जो कार्यपालिका जो है वो भी जो कानूनों को लागू करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, महत्वपूर्ण रोल निभाती है डिसीजन मेकिंग में। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। कार्यपालिका का जो हेड जो होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। एंड ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। और जो राष्ट्रपति जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। द प्राइम मिनिस्टर इज, अ प्राइम मिनिस्टर कौन होता है ये पोस्ट का साथी, तो द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्टी That wins the majority of votes in the general election. तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ से चुनकर आता है, तो प्राइम मिनिस्टर वो होता है जो कि जो सामान्य जो चुनाव हुए होते हैं उन चुनाव में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हुए होते हैं उस पार्टी का जो लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, है ना। मेजोरिटी वाली पार्टी जो होती है, जिसको सबसे ज्यादा बहुमत मिलता है, वो पार्टी जो है उसका लीडर जो होता है, नेता जो होता है, उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ही शी वर्क्स अलोंग विद द टीम ऑफ मिनिस्टर्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड आर आंसरेबल टू देम। और जो ही और शी, है ना, वह या वह जो भी
और आज जो आदमी जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो अपने एक टीम के साथ काम करता, क्योंकि जिसकी आपको पता है भारत एक बहुत बड़ा देश है ना, तो अब वो सब प्रधानमंत्री तो सब जगह जाके काम नहीं कर सकता है, तो इसके लिए वो अपनी एक टीम बनाता है। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, जैसे अपनी स्कूल होती है ना, स्कूल के अंदर क्या सिर्फ एक प्रिंसिपल मैम ही पढ़ाती है, नहीं पढ़ाती है ना, तो उस प्रिंसिपल मैम सब क्लासेस में जाके नहीं देख पाती है, नहीं सारे सब्जेक्ट पढ़ा पाती है ना, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं, इतने सबको देखना इतना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, स्टाफ रखा जाता है ना, और अलग अलग क्लासेस के लिए अलग टीचर रखी जाती है, वो सबको अच्छे से फिर एक एक बच्चे को वो देख पाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर भी क्या करते हैं, पूरे देश के अंदर अलग अलग जो डिपार्टमेंट बांट दिए जाते हैं और उन पर एक एक जो मंत्री वगैरह जो होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है ना। तो इस तरह से जो प्रधानमंत्री जो है वो अपना एक टीम बनाकर काम करते हैं, ठीक है, ये कहलाता है एग्जीक्यूटिव। और ये जो जो डिपार्टमेंट के जो हेड जो बनाए जाते हैं वो कौन चुनता है, उन्हें पीपल, जो लोग जो होती है, जनता जो होते हैं वो उनको चुनते हैं, और वो जो चुने हुए लोग जो होते हैं उन्हें डिपार्टमेंट दिए जाते हैं और वो फिर प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और उनको ऐसा नहीं होता कि वो जो अपना मन जो आए वैसा काम कर ले ना, उनको जनता को भी उनको जवाब देना होता है ना, नहीं तो वो 5 साल बाद वापस जीत नहीं पाएंगे। अगर वो जनता के अनुरूप काम करेंगे तो उन्हें वापस नए और भी चुनाव में जिताया जा सकता है, या फिर उनको 5 साल तक सरकार अच्छे से चल पाएगी। अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो जनता उन्हें अपने पद से हटा भी सकती है, ठीक है। तो इसलिए वो जो नेता जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, वो जनता के प्रति आंसरेबल होते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव समझ में आ गया, प्रधानमंत्री और उसकी जो पूरी टीम जो होती है वो क्या कहलाती है, एग्जीक्यूटिव कहलाती है, कार्यपालिका कहलाती है। अब पढ़ेंगे हम ज्यूडिकरी। ज्यूडिकरी क्या होती है, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होता है, ये जो होता है न्यायपालिका, ये हमारे जो थर्ड ब्रांच होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, और इसका जो काम जो होता है वो कानूनी तरीके से लोक स्थापना करना होता है ना, बिल्कुल कानूनी तरीके से। अगर इट हैज द पावर टू डिक्लेयर लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एज इलीगल। देखो जो न्यायपालिका जो होती है ना, ज्यूडिकरी मीन्स न्यायपालिका, देखो न्यायपालिका को यह अधिकार होता है कि लोकसभा या राज्यसभा अगर कोई कानून बनाती है और ज्यूडिकरी न्यायपालिका को लगता है कि ये कानून सही नहीं है तो वो उसे इलीगल घोषित कर सकते हैं, मतलब उसे कानून मानने से इनकार कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो वो कानून नहीं बनता है, है ना। तो ज्यूडिकरी जो होती है उसका जो निर्णय जो होता है, न्यायपालिका का जो निर्णय जो होता है वो सर्वोपरि होता है, ठीक है। इट इज़ फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। और जो न्यायपालिका जो होते हैं उसे बिल्कुल फ्री रखा गया है, इंडिपेंडेंट रखा गया है, बिल्कुल स्वतंत्र है ये ज्यूडिकरी। इस पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई दबाव नहीं होता, किसी का भी दबाव नहीं हो सकता इसके ऊपर, है ना, ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है अपने निर्णय लेने में, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हमने जो गवर्नमेंट जो होती है उसके 3 हमने अंग पढ़े, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिकरी, ठीक है। अब है जस्टिस एंड इक्विलिटी। जस्टिस क्या होता है, न्याय और समानता। जस्टिस एंड इक्विलिटी आर द 2 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। देखो लोकतंत्र के 2 स्तंभ है, कौन से, न्याय और समानता। Justice is to give each what is due to him or her as a person. देखो न्याय जो है वो क्या होता है, सभी को मिलना चाहिए, है ना, जो भी लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, है ना, सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए। Equality is defined by our constitution as, और जो समानता जो है वो हमारे संविधान के अंदर डिफाइन करी गई है, कैसे, every citizen is equal before the law. कानून के सामने जो है सभी नागरिक क्या है, समान है, है ना। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बाय वर्च्यूज ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, वेल्थ एक्सेट्रा। टू एंजॉय इक्विलिटी देयर शुड बी जस्टिस। और क्या कहा गया हमारे संविधान के अंदर कि
देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा ना, कानून की नजर में सब समान है और किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। किस आधार पर? जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, धन के आधार पर, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, सब समान है ना। टू एंजॉय इक्वलिटी, और इक्वलिटी को एंजॉय कर, समानता को एंजॉय करने के लिए क्या होना जरूरी है? जस्टिक होना जरूरी है, न्याय होना जरूरी है। ठीक है, आज का आपको मैं होमवर्क बता रही हूँ, यहीं तक पढ़ा है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होमवर्क देखिएगा, यहाँ तक हमने पहले कर लिए थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो मानी जाने वाली या फेमस जो मोस्ट प्रिफर्ड जो गवर्नमेंट जो है वो कौन सी है? तो डेमोक्रेसी। Then second, from which language the word democracy is derived? कौन से लैंग्वेज से डेमोक्रेसी शब्द को लिया गया है? तो ग्रीक वर्ड से, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से। ओके, इन विच ईयर फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्टेड? फ्रेंच रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई? तो 1789 को, है ना, फ्रांस क्रांति। देन डी क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन द यूएसए? तो डेमोक्रेसी। यूएसए के अंदर कौन सी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी। आज आपको सिर्फ यहीं तक ही करना है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।